सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे केसर की खेती के बारे में और उम्मीद करेंगे किसान भाइयों आप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि केसर की खेती के बीच हम खड़े हैं और ये हमारे साथ किसान भाई हैं, इन्होंने ये खेती कर रखी है। तो ये किसान भाई आज आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई साहब, सभी चैनल देख रहे सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो आपने ये केसर की खेती करी है, ये पहली बार करी है? हाँ, ये खेती मैंने पहली बार किसी दोस्त के कहने पर, उसने लगाया था पहले, वो मेरे को कहता था वही काफ़ी मुनाफे वाली चीज़ है, आप भी लगाओ, इसलिए मैं सैंपल के तौर पे 10 मरले खेत बोया है इस बार। 10 मरले में अंदाज़ा कितना केसर निकल जाएगा? सर देखो, पहली बार है, फिर भी अंदाज़ा तो मेरा ये है भी 10 मरले में निकल जाएगा, 2 किलो के आसपास। 2 किलो के आसपास है। जैसा कि हमने इसके बारे में सुना है और पढ़ा भी है, लगभग प्रति हेक्टेयर ये 80 किलो के आसपास निकल जाता है। हाँ, 80 किलो के आसपास निकल जाता है। तो जो केसर की खेती है, इसके लिए अपने किसान भाइयों को बताइए स्टेप बाई स्टेप कि किस प्रकार से होती है। सबसे पहले ये बताइए कि इसका लगाने का समय कौन सा है? इसको नवम्बर, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने में लगा सकते हैं। वैसे तो ये सेफ रहेगा कि सितंबर में ही लगाया जाए। इसको लगाने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? खेत की तो सबसे पहले कि ये खेत है, इसको गहराई से अच्छी तरह से इसको जुताई की जाए, उसके बाद में कुछ दिन के लिए इसको खाली छोड़ दिया जाए। ठीक है जी। उसके बाद में इसमें देसी खाद जैसे कि गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, और उसके बाद में इसकी मेड़ बना के, मेड़ का उसमें फासला मान लो 2 फीट का होना चाहिए, और उसके बाद मेड़ बनाने के बाद में जो इसका बीज है वैसे भी सूखे हुए लगाना है 10 इंच के दायरे पे। मेड़ से मेड़ की दूरी किसान भाइयों 2 फुट बताई है और बीज से बीज की दूरी जो है 10 इंच बताई गई है। अब इसमें बात आती है कि लगाने का तरीका, मतलब किस प्रकार से लगाया जाए और पानी कब लगाया जाए लगाने के बाद? इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि जो मेड़ बनाते हैं, हम मेड़ बनाते हैं ना, हाँ जी, उस पर इतनी दूरी पर लगाओ कि वहाँ तक पानी, पूरा पानी नहीं पहुँचना चाहिए, पानी की नमी पहुँचनी चाहिए। जिस प्रकार से सब्जी के बीज लगाते हैं, जैसे कि सब्जी के बीज लगाते हैं, जहाँ बीज लगाएंगे वहाँ डायरेक्ट पानी नहीं मिलना चाहिए, पानी थोड़ा लेवल नीचे होना चाहिए। ठीक है। ये आपने सितंबर के उसमें लगा दिया? हाँ सर, सितंबर अक्टूबर में। लगाने के बाद जो है इसके लिए फिर क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, आगे क्या कुछ कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं? इसमें कार्रवाइयाँ कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई नाइट्रोजन डालना है, ना ही कोई इसमें कोई पेस्टिसाइड जैसे स्प्रे वगैरह करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल बीज लगा के, सिंपल इसकी कहने का मतलब देख रेख करने, गुडाई करके, और सिंपल ही इसको रखना है, और ऐसे में कुछ डालना नहीं है। घास वगैरह की कोई दिक्कत इसमें? घास वगैरह की दिक्कत आती है तो अपना ये खुरपा होता है, हम तो खुरपा बोलते हैं पंजाबी में, उससे इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर दो। साथ में आपने मिट्टी भी लगा रखी है? ये मिट्टी लगाने का क्या है जी, इसको जो मेड़ है ना, इसको थोड़ा सा चौड़ा रखना चाहिए, जैसे कि 1 फिट से। ठीक है, 1 फिट। फिर उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वो साथ वाली मेड़ से मिट्टी काट करके इसके पौधे के साथ में लगती रही, पौधा बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि किसान भाई आप देख सकते हैं कि बीज जो है एक साइड में लगा था, लेकिन अब पौधा जो है मिट्टी लगने के साथ साथ परली मेड़ से लग करके मिट्टी जो है बीच में पौधा आ गया है। हाँ सर। हाँ, इस प्रकार से होता है। हाँ, इस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर फिर कोई बीमारी वगैरह कुछ है? इसमें देखो, ये कुदरत की जैसे कहते प्रकृति की चीज है, इससे छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए, इसको कोई भी बीमारी नहीं आती। अगर बीमारी आ भी जाती है, ये अपने आप ही सहन कर जाता है। इसके अंदर कोई स्प्रे वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती? अगर इसमें स्प्रे करोगे तो इसको केसर कैसे कहोगे? ठीक है, फिर तो जहरीला बन गया, जहर बन गया ना। हाँ, जहर बन गया। हाँ, ये तो ऑर्गेनिक है 100%। ठीक है। अब अपने किसान भाइयों को ये बताइए कि इसमें फूल वगैरह कब आते हैं? इसमें फूल आते हैं भैया मार्च के लास्ट में। ठीक है। हाँ, मार्च के लास्ट में फूल आ जाते हैं। तो सबसे पहले फूल किस प्रकार से आते हैं, फिर उनके किस प्रकार से साइज वगैरह बनते हैं, आप हमें थोड़ा सा क्लियर करके बताइए, और तुड़ाई किस प्रकार से, कैसे बीज की करनी है? ये देखो जी, सबसे पहले छोटा फूल आता है, बिल्कुल छोटा ये, उसके बाद ये? हाँ, ये पीला फूल आ गया, पीले रंग का। अच्छा। उसके बाद में ये थोड़ा सा रंग बदल जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगा, उसके बाद में ऐसा रंग हो जाएगा। ठीक है। अब ये कहने का मतलब ये बिल्कुल ही पका हुआ है। ठीक है। अब इसको ना ये इसकी तोड़ने की क्रिया है, इस प्रकार से तोड़ना है। हाँ, इस प्रकार से इसको तोड़ करके और 6 में सुखा देते हैं। ठीक है। हाँ जी, ये मेरा परिवार है सारा, बच्चे हैं, भाई है, दोस्त है। अच्छा। ये सारे सभी लगे हुए हैं, सभी को चाव है कि हमने नई खेती की है। ठीक है, ठीक है। मतलब ये परिवार के लोग ही आप मिल करके काम? हाँ, ये सारा पूरी अपनी फैमिली है। ठीक है। तो ये तोड़ने के बाद, फिर तोड़ने के बाद इसको 6 में सुखा देंगे।
छाया में सुखाने के बाद ये रेडी है खाने के। हाँ, रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अब अपने किसान भाइयों को ये बताइए कि इसके अंदर जो बीज लगाया है वो प्रति हेक्टेयर कितना बन जाता है? इसका बीज प्रति हेक्टेयर बन जाता है जी तकरीबन 25-28-30 किलो इतना बन जाता है, अंदाजा है, वैसे इससे कम नहीं रहता। ठीक है, तो फिर इसका बीज क्या भाव बिक जाता है? इसका बीज मैंने लिया था, अपने दोस्त से मंगवाया था, 5,000 रुपए का 50 ग्राम, कहने का मतलब 1,00,000 रुपए किलो आता है। हाँ, आता है। और केसर क्या भाव बिक जाता है? केसर का इस बार नए हैं, मार्केट में आएंगे, किसी से पूछताछ होगी, अभी तो नए हैं, उसके बाद में जब मार्केट में चले गए, हाँ, बाद में पता चल जाएगा। हाँ, तो मतलब केसर का तो खैर अभी आपने बेचा नहीं तो इसलिए पता नहीं है, फिर भी कुछ अंदाजा आपने जब बोया है तो ये सोच के बोया होगा कि अंदाजा 100 रुपए ग्राम 200 रुपए ग्राम कितना बिकने की उम्मीद है आपको? जैसे कि हम दुकानों से लें तो काफी महंगा पड़ता है, और बताने वाले ये कह रहे थे जिस काश्तकार से मैंने बीज लिया है वो मेरे को बता रहा था अभी 1 किलो का 1.5 लाख रुपए तकरीबन मिल जाता है केसर। हाँ, तो और कोई चीज़ जो आप किसान भाइयों को इसके बारे में बताना चाहें? इसके बारे में और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी ना करो, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, इसमें कोई जहरीला पदार्थ मत डालो, ठीक है, सिंपल बीज, सिंपल पानी, सिंपल जुताई, सिंपल गुड़ाई। ठीक है, तो किसान भाइयों इस प्रकार आपने केसर के बारे में जानकारी ली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जो साथी नए आए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य किसान भाई भी लाभ उठा सकें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, राम राम, जय जवान, जय किसान।